हेलो एवरीवन, आज है 14 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड और एफआईज ने ज्यादा खरीदारी की है। देखिए, मार्केट डाउन रहा था लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईज ने इसमें खरीदारी की है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर वो कौन से स्टॉक है जिसमें म्यूचुअल फंड और एफआईज ने इतनी दिलचस्पी दिखाई है। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर है कि मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है और उसमें है कि म्यूचुअल फंड एंड एफआईज बॉट दिस 16 स्टॉक कॉन्स्टेंटली इन लास्ट 1 ईयर। देखिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में खरीदा था, धीरे 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 वो लोग इसको खरीदते जा रहे थे, एवरेज करते जा रहे थे और कॉन्स्टेंटली इन्होंने पिछले एक साल में खरीदा। और यहां पर एक लास्ट में क्वेश्चन भी है कि जब म्यूचुअल फंड और एफआईज किसी स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहां पर आज हम शुरू करें तो देखिए, द मार्केट हैज टैंक सिंस द बजट ऑन जुलाई 5। देखिए, जब से 5 जुलाई को बजट अनाउंस हुआ है तब से मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से धसता चला जा रहा है। इन्वेस्टर ने अब तक 12 लाख करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में गवाए हैं। द फ्री फॉल हैज नॉट स्प्रेड एनी सेगमेंट ऑफ द मार्केट एंड हर्ट लार्ज मिड स्मॉल कैप सेगमेंट इक्वली। देखिए, मार्केट में जो गिरावट है तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप में गिरावट है, मिड कैप में गिरावट है, मार्केट ने किसी को भी यहां पर बख्शा नहीं है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, तो मार्केट ने इस किसी को भी यहां पर बख्शा नहीं है, सबको बराबर का यहां पर गिरावट दी है यहां पर। बट दिस हैज नॉट डिटर्ड डोमेस्टिक एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर फ्रॉम द रेजिंग स्टेक इन देयर फेवरेट स्टॉक। लेकिन देखिए, मार्केट में गिरावट तो है लेकिन चाहे हम बात करें म्यूचुअल फंड या एफआईएस की, तो उन्होंने अपने पसंदीदा स्टॉक्स में अपनी जो स्टेक है उसको धीरे धीरे रेज करने की कोशिश भी की है। यहां पर देर आर 16 स्टॉक इन विच बोथ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर हैव रेज देयर स्टेक कॉन्स्टेंटली फॉर द लास्ट 4 क्वार्टर। तो पिछले एक क्वार्टर मतलब पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी जो स्टेक है उसको बढ़ाया है पिछले एक साल में इन 16 स्टॉक में। और उसमें इंक्लूड है, दे इंक्लूड एशियन प्ले पेंट्स, एचडीएफसी, कैपेसिटा इंफ्रा, बजाज कंज्यूमर, एनएचपीसी, तेजस नेटवर्क अमंग अदर्स। तो ये कुछ नाम जरूर है लेकिन इसके अलावा भी और काफी सारे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, इंक्रीज इन म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टॉक इज अ रिजल्ट ऑफ गुड क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रूडेंशियल मैनेजमेंट, प्रमोटर ट्रैक रिकॉर्ड, मार्केट लीडरशिप इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज एंड अ साउंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो ये कहना है मनी कंट्रोल लिमिटेड के रेलिग्रेन ब्रोकलिन लिमिटेड के जो रिसर्च कचर है, वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा, उन्होंने कहा है कि देखिए, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदारी तो की है लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको इन्होंने ध्यान में रखा है, चाहे वो अच्छा क्वालिटी परफॉर्मेंस हो हर क्वार्टरली, चाहे वो प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड हो, चाहे वो कंपनी का मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केट लीडरशिप हो जिस इंडस्ट्रीज में ये बिलोंग करते हैं उसका हो, या तो फिर लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड ने इन सब चीजों इन कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो वो कौन से स्टॉक है वो देखते हैं। तो पहला नाम डेफिनेटली एशियन पेंट्स यहां पर आता है। जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग है 4.74%, जबकि एफआईएस की होल्डिंग है 16.65%। उसके बाद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 11.22% है, बहुत ही भारी होल्डिंग है यहाँ पर। उसके बाद एफआईएस की होल्डिंग 24.69। बजाज कंज्यूमर केयर आप देखेंगे तो 8.61 है, जबकि 8.61 म्यूचुअल फंड है, जबकि एफआईएस की होल्डिंग 24.52 है। कैपिसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसमें भी 6.74% होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और एफआईएस के पास 7.89% की होल्डिंग है। जीएफएल ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जीएफएल में भी म्यूचुअल फंड और एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, जिसमें से 5.08% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है और 4.80% की होल्डिंग एफआईएस की है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा दिग्गज नाम है जिस पर आप कभी
जो जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का जो लीडिंग है HDFC, उसमें म्यूचुअल फंड की 7.99% की होल्डिंग है और FIs की 74-75% की होल्डिंग हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो बहुत ही बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। IDFC फर्स्ट बैंक, बहुत ज्यादा गिरावट IDFC फर्स्ट बैंक में भी हमें देखने को मिल रही है। उसमें भी आप देखिए म्यूचुअल फंड और FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 2.94% होल्डिंग, FIs के पास 13.75% की होल्डिंग है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे तो 9.48% म्यूचुअल फंड होल्डिंग, 19.57% की होल्डिंग है FIs। उसके बाद हम बात करेंगे तो इन सिक्योरिटीज असिडाइट इंडिया लिमिटेड, जिनके पास 9.24% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है और 3.75% होल्डिंग FIs की है। मिश्रा धातु निगम, उसके बाद उसके पास में भी म्यूचुअल फंड की बहुत बड़ी होल्डिंग है, 9.98% है, जबकि FIs की 0.58 है। NHPC भी 3.24% म्यूचुअल फंड होल्डिंग, 4.92 अगर बात करेंगे तो FIs है। देखिए तेजस नेटवर्क, तेजस नेटवर्क में भी म्यूचुअल फंड और FIs की बहुत बड़ी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, 12.27% की होल्डिंग है इसमें और म्यूचुअल फंड की 26.29 FIs की होल्डिंग इसमें FIs की है। टोरेंट पावर अगेन एक बढ़िया सेगमेंट है, यहाँ पर अच्छा शेयर है, 12.11% की होल्डिंग है इसमें म्यूचुअल फंड की और 7.91% होल्डिंग इसमें FIs की है। वरुण बेवरेजेस बहुत ही बेहतरीन और अच्छा स्टॉक है ये, इसमें 6.40% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ओन करते हैं और 14.21% होल्डिंग यहाँ पर FIs लेते हैं। WPIL की बात करेंगे तो उसमें भी हालांकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.97 है, FIs की होल्डिंग बहुत कम है 0.46, लेकिन FIs ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई जरूर है ऐसा हम कह सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा बड़ा इनाम यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट, उसमें आप देखिए 6.32% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 47.07% की होल्डिंग FIs के पास है। और देखिए जी एंटरटेनमेंट में बहुत ज्यादा गिरावट भी आई है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा रीजन है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियोज में भी बात कर चुका हूँ। तो देखिए ये 16 स्टॉक थे जिसमें म्यूचुअल फंड और FIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एस इन स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए। देखिए इंडिविजुअली आप देखिए कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके वैल्यूएशंस को देख सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। इस ये जरूरी नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी भी म्यूचुअल फंड और FIs को फॉलो करें, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड और FIs क्या करते हैं, वो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो वो खरीदारी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो वो बेच भी देंगे, थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो थोड़ा और पैसा ये लोग लगा भी देंगे। तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से रिटेल निवेशक कभी भी काम नहीं कर सकता है। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा बहुत लॉस सहन कर भी लेगा और दो तीन और बाकी रिस्क कंपनी में थोड़ा सा लगा के ये लोग पैसा बना भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड और FIs ने पैसा लगाया है उसमें आप अंधाधुन पैसा लगा दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड और FIs एक बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन ऑफ इंडियन इक्विटी आर नियर द लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज एंड निफ्टी ट्रेड, देखिए 12 महीने में हम अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी में भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है और सारे के सारे स्टॉक हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं। तो हाल फिलहाल में मैं यही कहूंगा कि मार्केट काफी नीचे डाउन जा रहा है। तो अगर जो जिन जिन कंपनी में आप निवेश कर रहे हो, हमेशा याद रखें कि वो अपने सेक्टर का एक लीडिंग होना चाहिए, कम से कम ये हो कि एटलीस्ट इसमें पैसा सेफ रहेगा, इसमें पैसा कहीं जाएगा नहीं, ये पर्सपेक्टिव और उस मेंटेलिटी के साथ आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और हाल फिलहाल में जैसे कि देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही है, और भी काफी ज्यादा HDFCs वगैरह है, बजाज फाइनेंस है, तो ये काफी बड़े लार्ज कैप हो गए। मिड कैप में भी आप काफी ज्यादा शेयर्स पर अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसके लिए अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करेंगे तो वहां पर मैं आपको डेफिनेटली जितनी भी हो सके उतनी अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और इन जो 16 स्टॉक्स हैं उनमें से कौन से स्टॉक आपको पावरफुल लग रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में और ज्यादा हमें तेजी देखने को मिल सकती है,
उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और एफआईएस जिन स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं उसमें हमें खुद बाइंग करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।